मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। शादी का सीजन शुरू हो चुका है, बच्चों का गर्मी का छुट्टी भी होने वाला है। ऐसे में अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको अच्छे डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि बिना वीज़ा के ही आप विदेश घूम सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप घूमने के शौकीन हैं, अपने अपने परिवार के साथ अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए भी है। हनीमून हो या गर्मियों की छुट्टियां, विदेश घूमना कौन नहीं चाहता, लेकिन पैसे और प्लानिंग की वजह से हम हमेशा पीछे हट जाते हैं। और एक और झंझट जो सभी के फॉरेन घूमने के सपने पर पानी फेर देता है वो है वीज़ा प्रक्रिया। शायद आप भी हमारी बात से ज़रूर सहमत होंगे। बता दें, वीज़ा है ही एक ऐसी चीज़ जिसके प्रोसेस में आपका पूरा महीना भी जा सकता है या फिर पूरा साल भी जा सकता है। लेकिन विश्व भर में भारतीयों के लिए कुछ ऐसे देश भी हैं जहां आपको वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन देशों में आप अपने केवल पासपोर्ट के साथ ही एक महीना या फिर चार महीने भी आराम से घूम सकते हैं। चलिए आपको इन देशों के बारे में बताते हैं। पहला देश है भूटान। खूबसूरत पहाड़ी और वादियों के लिए फेमस भूटान बड़ा ही हसीन देश है। यहाँ घूमने का सपना न केवल हम भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी देखते हैं। भूटान अपनी सीनिक ब्यूटी और शानदार जगहों के लिए बड़ा ही मशहूर है। बता दें, भारतीयों को यहाँ कुछ शर्तों पर बिन वीजा के यात्रा करने की परमिशन मिलती है। यही नहीं, पड़ोस में होने की वजह से भारतीयों के लिए ये जगह इतनी खर्चीली भी नहीं होगी। वीजा के लिए आपको यहाँ आईजी प्रूफ देना होगा। भूटान के बाद फिजी को हम कैसे भूल सकते हैं, ये देश भी बिना वीजा के घूमने के हिसाब से बेस्ट है। यही नहीं, मालदीव के बाद अब तो कपल्स ने अपनी हनीमून के लिए फिजी को लिस्ट में शामिल कर लिया है। बता दें, यहाँ भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ काफ़ी संख्या में इंडियंस घूमने के लिए फिजी पहुँचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय यहाँ बिना वीजा के चार महीने रुक सकते हैं। वहीं बात करें बारबाडोस की, तो बारबाडोस बेहद खूबसूरत कैरिबियाई देश। बारबाडोस एक बेहतर समर वेकेशन के लिए बेस्ट है। यहाँ अपनी पत्नी के साथ आ सकते हैं या फिर बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए ये जगह परफेक्ट है। गर्मियों में बीचेस वाले प्लेसेस तो वैसे भी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ऐसे में भारतीयों को एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, ऐसे में लोग खूबसूरत जगह के साथ साथ शांति वाली जगहों की भी तलाश में होंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की। त्रिनिदाद भी किसी से कम नहीं है। ये जगह एकदम गोवा जैसी लगती है और घूमने का खर्च तो आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ आप बिना वीजा के 3 महीने तक रुक सकते हैं। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ से घिरी हुई है। मॉरिशस, बिना वीजा के घूमने वाले देशों में मॉरिशस का भी नाम शामिल है। मॉरिशस तो कपल्स के बीच सबसे पसंदीदा है। यहाँ आप बीच और जंगलों के बीच आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। अपने पलों को यादगार और ख़ास बनाने के लिए इस जगह को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ भारतीय 3 महीने तक बिना वीजा के रह सकते हैं। तो शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में आप कहीं घूमने का प्लान तो बना ही लिए होंगे, तो आप इन तमाम जगहों पर जा सकते हैं और यहाँ पर वीजा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर आप बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं बिना वीजा के ही। तो ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ फोर नेशन, नमस्कार।